दोस्तों आप ये गौ माता को आप देख रहे हैं, उसके पूरे मुंह में है ना, एक तरफ से पूरे मैगट्स पड़ गए हैं, बहुत सारे जंतु। तो हमें किसी एक भाई ने बताया कि यहाँ पे एक गौ माता इतने दिनों से खा नहीं रही है, क्योंकि खाने का पूरा इसका जबड़ा आता है ना, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। डैमेज यानी कि खाने का कोई अंदर कुछ चीज़ जा ही नहीं सकता, इतने मैगट्स पड़ गए और पूरा शरीर पे लंपी जैसा वायरस अभी निकला हुआ है। वो गौ माता को पूरी तरह से रोग ने घेर लिया है। और हम लोग ने पूरा देखा तो अंदर से मैगट्स पूरे अंदर जा चुके थे। फिर हमने सोचा कि उसमें बहुत टाइम लगेगा। फिर हम लोगों ने गौ माता को अच्छी तरह से बांध लिया, क्योंकि अच्छे से बांधना पड़ता, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट ज़्यादा आधा घंटा जैसा लगेगा। पैर में भी बहुत तकलीफ है उसको, और पूरे शरीर पे ऐसे मैगट जैसे, पूरे पॉइंट पॉइंट जैसे लंपी का असर बहुत पड़ गया। फिर हमारे साथ मित्रों ने गौ माता को अच्छे से बांधने की ट्राई किया, और हम लोगों ने गौ माता को अच्छे से, वहाँ एक पेड़ था वहाँ पे अच्छे से बांध दिया, और फिर गौ माता को रेस्क्यू करना चालू कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हैं, अब अपन को जो कुछ मुंह में लगा तो अपन खा नहीं सकते थे, गौ माता के अंदर पूरे मुंह में मैगट्स थे, पूरे मुंह में। तो आप वीडियो को पूरा पूरा देखिए और आपके ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो देख के कोई गौ सेवा कोई आदमी सीख सकते हैं। हम लोग भी ऐसे करके ही सीखे हैं, सब हमारे सब ये मित्र है वो भी। और हम लोगों ने फिर हम लोगों ने मैगट्स अंदर से देखे तो पूरे मैगट्स थोड़े बहुत बाहर थे, तो हमने वो निकालने का प्रयास किया, तो आधे मैगट्स निकालने का पूरा ऐसा होल जैसा हो गया, बारीक जैसा, तो ऊपर से सब निकलने लगे मैगट्स। तो पूरी तरह से पहले साफ कर लिया, और अंदर से बहुत पूरा टूट गया था जबड़ा, यानी कि हड्डी नहीं टूटी थी, पूरा मांस ऐसा बारीक जैसा हो गया था। बारीक बोले तो ऐसा कुछ होल जैसे भी हो गया था, और नीचे अंदर से पूरा फट गया था। तो पहले मुंह का ही साफ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से जल्द ट्रीटमेंट से थोड़ा ब्लड भी बर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड में क्या जरा था तो ब्लड निकलना भी चला, इसलिए हम लोग दवाएँ मार रहे हैं। और ट्रीटमेंट करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ ज़्यादा तकलीफ ना हो गौ माता को। और आप ये वीडियो को पूरा पूरा देखिए, मैंने उसका पूरा रिकवरी का भी वीडियो ये स्टोरेज में रखा है, ये वीडियो में लास्ट में, क्योंकि इतना किया तो फिर जो नेक्स्ट आप इसी वीडियो में है उसका ट्रीटमेंट कितना अच्छा, उसको बहुत अच्छा हो गया गौ माता को। और पहले पैर का भी थोड़ा ब्लड बंद करना पड़ेगा, पैर में भी उसको बहुत लगा था, यानी से मेरे ख्याल से गौ माता को एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, यानी कि एक्सीडेंट मेरे ख्याल से शायद हुआ था, एक तरफ से तभी एक तरफ का पूरा चमड़ा निकल गया था और पैर में भी लगा था, और गौ माता को लंपी की भी असर थी, तो बहुत पूरी तरह से रोग से गौ माता पीट हो चुकी थी, यानी कि ये काफ़ी मेरे ख्याल से 10-15 दिन के बाद तो गौ माता डेड भी हो जाती, हमको नहीं मालूम पड़ता तो। लेकिन हम लोग पहुँच गए और गौ माता को टाइम पे ट्रीटमेंट देते रहे, 3 बार ट्रीटमेंट दिया, तभी गौ माता को रिकवरी इतना अच्छा हो गया कि आप लास्ट में वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता चलेगा। और काफ़ी टाइम लगा, जो हमारे जो सेवा भाई मित्र है वो भी वहाँ पे सब है, सब खड़े हुए, और ट्रीटमेंट मैंने चालू ही रखा, क्योंकि आगे जो इसका जो मुँह में अंदर है ना, वो पूरे मैगट्स आधे निकल गए, आधा बाकी है आधा, तो अभी उस पर थोड़ा ध्यान जरन रहना पड़ेगा। अभी फिर से एक तरफ की निकल गया, अभी मुंह से पूरा निकलना पड़ेगा, एक तरफ का निकल गए थे और उधर से देखना पड़ता है। अब ये चीज़ जो मैंने किया है ना, तो अब लास्ट में भी ऐसे मुंह करके मैंने निकाला हुआ है, तो बहुत अच्छा हो गया है। देखिए गौ माता को ज़्यादा वो, क्योंकि जब मैगट्स बाहर निकल रहा है उसको ज़्यादा जलन होती है, पूरा जब मुँह से बहुत इतना ब्लड निकल रहा था, फिर ब्लड तो हम लोगों ने बंद कर दिया, मैगट ज़्यादा थे अंदर, और पूरा तरह से ये जो उसके मुंह के ऊपर
है ना, वहाँ पे भी बहुत मैगज थे। तो आप भी गौ माता की ऐसा सेवा कर सकते हैं, वीडियो में देख के कैसे कैसे हम लोग करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे दवा लगाते हैं। हर जगह हम लोग पहुँच नहीं सकते। देखिए आप पूरे ये दूसरी तरफ से मैगज सब निकाल दें, कितने बड़े बड़े मैगज है अपने शरीर में। कुछ एक ही मैगज ऐसा घुस गया ना तो आप उनको चैन से रहने नहीं देगा, इतने खराब ये मैगज है। और हम लोग के पास एक दवा है तो जल्दी रोज आ सकती है इसको, और आ ही जाती है, ऐसी दवा है हमारे पास है। पूरे मैगज पूरे सब निकाल लिया, सब वहाँ पे सभी दवाएँ भरनी पड़ती है, वहाँ पे खाली पैसेज नहीं छोड़ सकते। तो पैसेज छोड़ दिया तो भी वापस अंदर से मैगट्स आ जाते हैं, इसलिए पूरी तरह पैर में भी बहुत चोट आई को माटा को, वहाँ भी लगाना पड़ता है। फिर बाद में वहाँ से अच्छी तरह से लगाना पड़ता है, वहाँ भी लगा दिया क्योंकि दूसरे पैर में भी है उधर, तो दूसरे पैर में तो ज़्यादा है, वहाँ से हम लोगों ने पट्टी बांधनी पड़ेगी। क्यों, बारिश अभी वहाँ पे बारिश भी थी लेकिन पट्टी बांधना ज़रूरी थी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उसका वो स्किन निकल गया था। तो वहाँ हम लोगों ने फिर से वहाँ पर हमने देखा जब बैगेज पूरे बाहर निकल आए थे तो फिर से वहाँ से दवा हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ये दवा हल्की आती है तो मुंह में लगाते समय गौ माता को भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि गौ माता सब दवा मुंह में जाती है ना, तो ऐसी कोई दवाई हम लोग मान नहीं सकते क्योंकि उसको साइड इफेक्ट्स होता है, तो मुँह में नहीं जानी चाहिए दवाई। और गौ माता को हम रिलीज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हो गई, वो अच्छे से अभी जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दर्द है लेकिन आ जाएगा। और गौ माता अच्छे से जा रही, सब हमारा काम ट्रीटमेंट सफल रहा एकदम, गौ माता जा रही है। और अभी यहाँ से दूसरा वीडियो चालू होगा, वो आप पूरा देखिए, ये हम एक दिन किया था और फिर आ जाए, हम तीन बार ट्रीटमेंट। देखो आप पहले तरह से कितनी गौ माता कितना अच्छा हो गया, ये सब जो स्किन निकल गई थी वो स्किन पे पूरा घाव भर गया है और पैर पे भी अच्छा है। और पूरा ये लंपी का मेरे पास एक दवा भी है, वो उसके दोनों ये मुंह के ऊपर के नाक में मारना पड़ता है, तो उधर हम लोगों ने एक दवा है मेरे पास तो उधर लगाना पड़ता है। और पूरा घाव भी अच्छे से भर गया सब, और उसके ऊपर थोड़ा ये है दवा है में, ये लंपी गौ माता को स्टार्टिंग हुई ना तभी इसके मुंह के ऊपर मारना पड़ता है, जो उसके श्वास जाता है ना नाक से ऊपर, जो नाक के अंदर दोनों में मारना पड़ता है। लंपी पूरी तरह से ठीक हो जाती गौ माता को, आप देख सकते हो पहले कैसा था और अभी कैसा है गौ माता को। हम लोग अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया तभी गौ ये देखिए पूरे मुंह में कितना अच्छा हो गया। देखो अब गौ माता अच्छे से खा सकती है, इसका जीवन बच गया, लेकिन हम टाइम पर नहीं आते तो गौ माता को बहुत बुरी हालत हो जाती और गौ माता का मृत्यु हो जाता, लेकिन हम टाइम पर गौ माता को बचा लिया और घाव पूरे भर दिया मलम लगा के मस्त एकदम, क्योंकि अभी मलम लगाना पड़ता, बारिश ज़्यादा नहीं है अभी तो मलम में अच्छा हो जाता है। आप देख सकते हो अच्छे गौ माता को, अच्छा फीलिंग कर रही गौ माता। अभी गौ माता ठीक हो गया, अभी कुछ एक बार ऐसे दवा लगेगी और एकदम अच्छा हो जाएगा। और आप भी ऐसे वीडियो को आप अच्छा लगे तो आपके ग्रुप में शेयर कीजिए और गौ माता का आशीर्वाद लीजिए। सावन का महीना है तो अच्छा कार्य कीजिए, कलयुग चल रहा है तो गौ माता की सेवा करने बहुत पुण्य मिलेगा, श्री कृष्ण की गावड़ी है। अभी रिलीज कर रहे गौ माता को, अभी अच्छे से हो गया तो आप भी ऐसे सेवा कर सकते हो आपके यहाँ पे गौ माता पूरी तरह से। श्री कृष्ण जीव दया ग्रुप की टीम है हमारी, तो गौ माता अच्छे से ट्रीटमेंट हो गई, ये वीडियो के माध्यम से आप बता रहे हो, अच्छे से गौ माता जा रही है अभी। देखिए दूसरी बार हमको इधर मार्केट में भी गौ माता मिल गई, जैसे